हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव एग्जाम अपडेट। चलिए, जो ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, इसमें यूपीएसआई वालों के लिए लेके आया हूँ और आप लोगों को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से, जिसमें यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 12 नवंबर से होने वाला है, दिसंबर तक चलने वाला है एग्ज़ाम। और मैं जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा तो मैं सेंटर में खुद जाके इसके लिए जो एग्ज़ाम रिव्यू अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, पेपर किस लेवल का था, ये सारी चीज़ें मैं एनालिसिस करूँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। और बच्चे परेशान हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन है कि सर लास्ट टाइम पे क्या रहना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या रणनीति होनी चाहिए एग्जाम के लिए। कुछ बच्चों को तो ऐसा होता है जैसे वो एग्जाम में जाएंगे तो उनको जो क्वेश्चन आ रहा होता है उसमें से भी दो चार क्वेश्चन गलत कराते हैं, वो बिल्कुल हड़बड़ी की वजह से कराते हैं, जबकि उनको वो क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे दूर करें, और जिनका एग्जाम नहीं है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं आया है उनका उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, उनको टाइम मिल जाएगा, उनको थोड़ा एनालिसिस के बाद पता चल जाएगा पेपर किस लेवल का आ रहा है, कैसे आ रहा है, थोड़ा सा उन लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी हो जाती है। इसमें आप लोग देखेंगे 400 क्वेश्चन जो है आने, मतलब 400 नंबर के 160 क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो प्रीवियस ईयर 2016 में कट ऑफ रहा है वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसमें आप देखेंगे एडमिट कार्ड जो है, जिनका एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आएगा, जिनका सिटी इंटीमेशन आ गया है उनका एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आ जाएगा, और जिनका एडमिट कार्ड और डेट ऑफ बर्थ में इधर बता रहा है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ, आपका फॉर्म सब कुछ सही है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपका एडमिट कार्ड जो फेज है, फेज वाइज एडमिट कार्ड आएगा और फिर आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, इसमें आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, 3 फेज में एग्जाम होने वाले हैं यूपीएसआई के। पहला फेज जो है 12 से 17 है, और दूसरा फेज 19 से 24, तीसरा फेज 27 से 2 दिसंबर तक चलने वाला है। इसमें आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है वो काफी परेशान बच्चे दिख रहे हैं, उन परेशान ना हो, बिल्कुल आप तैयारी करते रहें, आप मॉक टेस्ट लगाएं, आप रिवीजन करें, ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। और आप बिल्कुल एडमिट कार्ड को लेकर बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहें, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका आएगा, क्योंकि अभी आपको और टाइम मिल गया है, क्योंकि जिनका तो सिटी इंटीमेशन आ गया उनका एग्जाम डेट भी कंफर्म हो गया कि एग्जाम कब होना है, लेकिन जिनका सिटी इंटीमेशन नहीं आया उनके लिए काफ़ी टाइम है, उनके लिए समझ लीजिए 10 दिन का टाइम मिल जाएगा, वो काफ़ी अच्छा अपना जो है परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम की जो लास्ट टाइम जो होता है एग्जाम का वो काफ़ी अच्छा अगर रणनीति रखा जाए तो आप बहुत ही अच्छा कवर कर पाएंगे और परफेक्ट तरह से पेपर दे पाएंगे। इसमें आप देखेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं, जो 2016 में वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, उसमें क्या कट ऑफ था, उसमें जब वैकेंसी आई थी तो उसमें जो कट ऑफ था वो जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई कट ऑफ होता है, फाइनल कट ऑफ तो अलग से आता है, एक फिजिकल के लिए आता है। उसमें आप देखेंगे तो जो मैं मुझे डेटा मिला है वो प्रीवियस ईयर का, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखेंगे मेल के लिए 275 से 280 के बीच में था, एससी के लिए था, एसटी के लिए 255 से लेकर 260 था, ओबीसी के लिए 290 से 295 था, और एक सर्विसमैन के लिए था, और जर्नल के लिए 295 से 300, यानी कि 300 के अंदर था 400 में से। और जब फाइनल ऑफ कट ऑफ देखेंगे, जो फाइनल जो मार्क्स होते हैं, यानी कि जब फाइनल कट ऑफ आप ज्वाइनिंग के लिए फाइनली आता है, तो उसमें 332 नंबर कट ऑफ गई थी इसमें फाइनली मार्क्स। और पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें पलटून के भी कुछ जो है पोस्ट रहते हैं, उसमें 330 जो है मार्क्स गए थे कट ऑफ में, यानी कि आप देखेंगे तो बहुत कम भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप परफेक्ट तैयारी आप रखेंगे, गुड अटेम्प्ट्स ज़्यादा रखेंगे, जितने भी अटेम्प्ट करेंगे आप परफेक्ट गलत कर नहीं करेंगे, रॉन्ग नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सही करेंगे, तो चांसेस बहुत अच्छे होते हैं इसमें यूपीएसआई में। इस बार तो वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा आई है, पिछली बार तो 4,000 से भी कम वैकेंसी थी, और इस बार देखेंगे तो आप ये 10,000 के करीब वैकेंसी है, तो इसलिए इस बार काफ़ी अच्छा चांस है बच्चों के लिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो सब्जेक्ट रहा है, सब्जेक्ट क्या क्या, हिंदी आने वाला है, और इसमें मूल कानून, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये 3 पार्ट में, मतलब 3 भाग में रहने वाला है, और फिर संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण 40 क्वेश्चन आने वाला है इसमें, और यानी कि 40-40 क्वेश्चन में 4 भाग को डिवाइड कर दिया गया, 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, 400 मार्क्स के आने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं लास्ट टाइम पे आप क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे, तो
काफी बेटर कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि एक्सपीरियंस मायने रखता है। जो मैंने किया है, मैंने खुद किया है जो चीज़, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस काफी मायने रखता है। और इसमें आप देखेंगे, जब आप किसी चीज़ को पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप वहाँ जाके कुछ ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। इसमें आप, ये एक फायदा होता है आपका। जो एग्जाम है UPSI का, वो मात्र कुछ ही दिन तो बचे हैं। इसमें आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है, क्या पढ़ा जाए अंतिम दिनों में, काफ़ी जो है वो स्कोरिंग रहे और हेल्पफुल रहे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपके पास अभी फर्स्ट फेज में नहीं है, सेकंड फेज में, तो आप सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज लगाने से क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आपको कैसे क्वेश्चन करना, और हो सके तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन देना है तो ऑनलाइन आप लगाएं, ऑफलाइन देना है तो ऑफलाइन, यानी कि उससे एक आपका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होता है। क्योंकि अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलेगा, आपकी जो अंदर आपका हड़बड़ाहट होता है, हड़बड़ाहट आपके अंदर होता है, हिचकिचाहट होता है, वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। और आप जो आते हुए क्वेश्चन गलत कराते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। और आप रिवीजन तो बिल्कुल करें, जो आप पढ़े हैं उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करें। और जो फर्स्ट फेज में है वो तो रिवीजन करें ही, लेकिन मैं सेकंड फेज वालों को बता दूं कि वो आप रिवीजन भी करें और साथ साथ टेस्ट सीरीज बिल्कुल लगाएं। और अगर आप फर्स्ट फेज में हैं तो अभी आपके पास भी यही करीब 8 दिन का समय है, तो आप भी एक दो टेस्ट तो बिल्कुल मार के जाइए। क्योंकि टेस्ट मार के जाएंगे तो आपको इसका काफ़ी जो है फायदा होगा। और चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। और सॉरी, इस चैनल पे मैं जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो मैं खुद एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एनालिसिस करूँगा। जो एग्ज़ाम होंगे उसका एनालिसिस करूँगा, उसमें गुड अटेम्प्ट क्या रहे हैं और फिर पेपर का लेवल क्या रहा है, ये सारी चीज़ें मैं एनालिसिस करूँगा। इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को चैनल लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पर एनालिसिस कराऊँगा, तो जो नेक्स्ट फेज में एग्जाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या पैटर्न आ रहा है, किस लेवल का एग्जाम आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएंगी। तो चलिए, थैंक यू और हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से सभी लोगों को।